I mean, आंटी के बाद रमशा के लिए। तुम ही तो कह रहे थे ना कि उसके पास उसकी बड़ी बहन और बहनों ही रहते हैं, तो फिर काहे की अकेले? आंटी वो रमशा थोड़ी सेंसिटिव हो गई है। तो बेटा उसकी शादी कर दो। रमशा ये मानूर और अरीबा आप ही जानती हैं कि तुम यूनिवर्सिटी से माहिर के साथ यहाँ पर? वो नहीं है फराज भाई, अचानक प्लान बना था हम लोगों का आज की वजह से, और ये तो आप ही नहीं रही थी, मैंने इंसिस्ट की थी इससे, है ना? माहिर तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम रमशा को बहकाना बंद करो। आज के बाद अगर तुम रमशा को यूनिवर्सिटी के बाद कहीं लेकर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी मैं आपको एक एडवाइस दूं, आप एक काम क्यों नहीं करती हैं, रमशा के गले में रस्सी बांध कर फिर किसी कोने में बांध दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम तौकीर भाई। वालेकुम अस्सलाम सकलैन, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? सब कुछ ठीक, बैठो। थैंक यू। हाउ वाज योर फ्लाइट? आई होप एवरीथिंग वाज गुड। सब कुछ अच्छा था। हाँ मुझे लगता है इस बार आप किसी लंबी प्लानिंग के साथ यहाँ आए हैं। हमारी फ़ोन की लास्ट कॉन्वर्सेशन से मैंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था। तुम जानते हो मेरी ज़िंदगी में हर वक्त कोई ना कोई मामला चलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मैं वेकेशन पे आया। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, बट आई नीड टू बी श्योर ऑफ देम बिफोर गोइंग अहेड। तुम जानते तो हो मेरी आदतों को। जी मैं आपकी तमाम आदतों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ों का इंतज़ाम हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी दोस्ती हमेशा से मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है। मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ तुम। नाश्ता किया तुमने? नॉट रियली, मगर छोड़ें इस बात को, ये बताएं कि घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा ना मैं वेकेशन पे आया। I'm sorry। घर वालों से याद आया, तुमने कभी अपने घर वालों से नहीं मिलवाया, ना कभी घर पे इनवाइट किया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपका अपना घर है, आप जब आना चाहें। तो ठीक है, दिन और वक्त तुम तय करो, मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे आप कहें तौकीर भाई। आप ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने ड्रिंक्स ऑर्डर कर दिए थे। आपको मेरे टेस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम है। हाँ वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। मेन्यू ला दे। एक फैक्ट्री लोकेशन देख रहा हूँ मैं, तुम अगर उसको जरा स्क्रूटिनाइज कर लो तो फिर हम बात कर सकते हैं इस पर। क्यों नहीं तौकीर भाई, मेरी नजर में कुछ लोकेशंस हैं, लेट मी लाइन अ फ्यू थिंग्स और मैं आपको बताता हूँ, तो चलेंगे देखने के लिए। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप कहेंगे तो मैं आंटी से माफी मांग लूंगी। मर्जी है आपकी। आपको पूरी बात का पता नहीं है, इसीलिए आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। आप ही बता दें पूरी बात।
कौन सी ऐसी बात है जो आपको इतनी बॉदर और इनसिक्योर करे? कुछ दिन पहले मैं अपने ऑफिस की एक फाइल पिक करने के लिए घर आई थी। उस वक्त माहिर रमशा को लेकर घर आया हुआ था, और आप जानते हैं घर पर ना आयमा थी और ना ही आंटी। अगर आंटी या आयमा रमशा को घर पे देख लेते तो वो लोग क्या सोचते उसके बारे में? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माहिर कितनी हिम्मत कैसे हुई? मैं खुद जाकर उससे आप रुके। सिर्फ माहिर की गलती नहीं है, रमशा का कसूर भी है, इसीलिए अब उसे रोकना जरूरी हो गया। अगर सकलैन भाई को पता लग गया तो पता नहीं क्या होगा। नाश्ता तो करके जाते हैं? नहीं कर रहे। सुने आप परेशान ना हो, कहते हैं इंसान के नसीब में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। आप देखिएगा अल्लाह ताला आपके कारोबार में इतनी बरकत देंगे कि आपके नुकसान की तनाफी मुनाफे में बदल जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बो, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। क्या बात है बोलो। आज आपके दोस्त डिनर पर आ रहे थे ना, वो आएंगे या कैन? वो आएगा। ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। स्क्लैन पहले ही बहुत परेशान है, वरना तुम्हारी हरकत बताकर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करवा देती। क्या हो गया अभी? आप क्यों मुझ पे इतना ज्यादा शक करने लगी हैं? मैं वाकई में कुछ नहीं कर रही। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना ऐसा ना हो फौरी मुझे कोई फैसला करना पड़ जाए। मैं तो खुद तुम्हारी शादी करवा के अपनी जान छुड़वाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने घर जा सकूं। नहीं उठा रहा फोन, पता नहीं तुमने क्या कहा है यासिर को। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं कहा, आप खुद पूछ ले मानू और भाभी से। शाने मानूर को भी सब पता है ना, खुदा का खौफ करो, सारी दुनिया में नशर कर देती हो तुम तो। ये कोई बात अपने तक महदूद नहीं रख सकती क्या? ये लो पकड़ो फोन और यासिर को मैसेज करो मुबारकबाद का, सालगिरह का। कोई आया जवाब? जवाब दिया उसने, देखा मिला वजह। तुम नाराज हो रही थी कि फोन नहीं उठा रहा मेरा, मसरूफ होगा ना इसलिए नहीं फोन उठाया। हेलो
रमशा इसकी तो स्क्रीन टूट गई है, कोई बात नहीं मैं रिपेयर करवा दूंगा। कितने पैसे लगेंगे? तुम्हें क्या करना है, जितने का भी बने मैं करवा दूंगा। एक्चुअली सुखनैन भाई ने ना मुझे मेरे अभी तक पॉकेट मनी नहीं दी और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। अमशा कम ऑन यार, लाखों रुपए की इसकी स्क्रीन थोड़ी चेंज होगी, और वैसे भी मेरी वजह से टूटी है तो नहीं चेंज करवाऊंगा ना। बल्कि तुम एक काम करो, कल मैं तुम्हें वापस भी कर दूंगा, कल तक के लिए तुम किसी भी तरीके से मैनेज कर लो। कर लूंगी, थैंक यू। इट्स ओके, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। अमशा एक बात तो बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? कुछ भी। कुछ भी मतलब? मतलब ये कि स्टूपिड मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि अगर तुम मुझसे मेरी जान मांगो ना वो भी दे दो, मगर एक बार मांगो तो सही। जो चीज मेरी है वो चीज मैं तुमसे क्यों मांगू? लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करती हो? कुछ से भी ज्यादा। हर सिचुएशन में मेरा साथ दोगी? हमेशा। श्योर? प्रॉमिस? प्रॉमिस? Good. कैसी तबीयत? ठीक हूँ, जिंदा हूँ अभी तक। कल मैं बहुत स्ट्रेस में था, इतनी परेशानी में न जाने क्या कुछ बोल दिया था। ये भी नहीं सोचा कि जो नुकसान हुआ वो सिर्फ मेरे अकेले का नहीं था, दोनों का था। चले शुक्र है आपको मेरी तकलीफ का एहसास तो हुआ। रमेश का कोई अता पता है तुम्हारे पास? रमेश का एड्रेस? हाँ वो है तो सही मेरे पास, लेकिन वो तो अब तक जा चुका होगा। आप भूल गए, मैंने आपको बताया था कि वो अपने एक दोस्त के साथ रहता है एज अ पेइंग गेस्ट। ठीक। क्या ठीक है? मैं ढूंढ लूंगा उसको, उसके हलक में हाथ डालकर अपने सारे पैसे निकलवाऊंगा। वो तो शहर छोड़ के जा चुका होगा। इस मुल्क में है तो सकलैन से बचकर कहीं नहीं जा सकता। तुम बहुत ख्याल रखो। आई एम सॉरी वंस। इट्स ओके। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही।
तुम रो रही हो? इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ है? आंटी ने कुछ कहा है? यासिर ने कुछ कहा है? मैंने तुमसे कहा भी था, आंटी से कहो, वो बात करेंगी उससे। आंटी का तो फोन भी नहीं उठाया उसने। शायद आंटी को तुम्हें जाने देना चाहिए था उसके बर्थडे पे। यासिर को शायद बहुत बुरा लगा है। अब तुम्हारा मंगेतर भी है, मिलने में कोई बुराई नहीं थी। ये देखें, ये देखें क्या मैसेजेस किए उसने मुझे। ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह से कौन बात करता है? भाभी आप नहीं जानती वो किस तरह मुझे ह्यूमिलिएट करता है, सिर्फ तंजिया बातें करता है। मैं स्टूपिड हूं ना, कम अकल हूं, इसलिए मेरी अम्मी भागम भाग मेरी शादी करवा रही हैं। अगर मुझ में कोई काबिलियत होती तो मुझे आगे पढ़ने की इजाजत देती हूँ। जो लड़कियाँ इंटेलिजेंट होती हैं, स्मार्ट होती हैं, उनके माँ बाप तो उन्हें आला तालीम हासिल करने की इजाजत दे देते हैं। और यासिर को पता है मैंने अम्मी को कितना मनाने की कोशिश की थी। इतना सब हो रहा है तो आंटी को क्यों नहीं बताती ये सब? मैंने अम्मी से बात करने की कोशिश की है, हर बार उनका यही जवाब होता है कि हाँ शायद वो मजाक कर रहा होगा, बल्कि वो तो मुझे इनकरेज करती हैं कि मैं उससे और बात करूं ताकि शादी के बाद मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। भाभी आप मुझे खुद बताएं, ऐसे इंसान को भला कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? और सच बात तो ये, मैं उसे कंट्रोल करना भी नहीं चाहती। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं कि मुझे कितनी ह्यूमिलिएशन होती है, कितनी डिसरिस्पेक्ट फील होती है। तुम ठीक कह रही, मैं समझ सकती हूँ। रिश्ता कोई भी हो, एक दूसरे को इज्जत देना बहुत जरूरी होता है। कोई भी शख्स आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, पर फिर वो ऐसा शख्स जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का सोच रहे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं फराज से बात करूंगी। चलो शाबाश। कौन आ गया इस वक्त? तुम यहां क्यों आए हो? क्या मतलब क्यों आए? तुम्हें फारिया ने मना किया था ना कि यहाँ मत आना। मुझे बात करनी है फारिया से। फारिया क्या? सकलेन बैठा हुआ है उसके साथ, और सकलेन को तुम्हारे फारिया के चक्कर का पता भी चल गया। कैसे पता चला? कौन मारो तुम इस बात को कैसे पता चला? देखो सकलेन इस वक्त 30 मार खान बना हुआ है। मेरी बच्ची पे तो जो कुछ गुजर रही है ना वो सह रही है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, उसे देख लिया ना तो हमारी शामत आ जाएगी। मैं फारिया को सकलेन के रेमो कंपनी छोड़ सकता खाना? नहीं, वो उससे निपट लेगी, वो पटा लेगी खुद उसको। लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ वरना सकलेन हम सबको गोली मार देगा। जाओ 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 यहाँ से। मैं बाद में आता हूँ। अच्छा सुन, जब भी आओ फोन करके आना, समझ गए ना तुम? जाओ शाबाश। आप रास्ते में क्यों खड़ी? साइड पे आओ। अरे हटिए, क्यों रास्ते में खड़ी हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं। माहिर के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम उसके साथ घूमो।
आपको फराज भाई ने बताया ना ये सब? फराज ने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि तुम्हारी वजह से फराज माहिर से लड़ रहे थे और मैंने सुन लिया। कितनी बार समझाया मैंने, कितनी बार तुम्हें रोका है, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए रोक रही हूँ? मैं एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगी। आपको क्या लगता है कि हम सारे लोग कम अकल हैं और अल्लाह ने सारी अकल आपको दी है? अगर थोड़ी सी भी अकल होती ना तुम में, तो तुम समझ जाती कि माहिर तुम्हारे लायक नहीं है, वो खबरदार। माहिर के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम उसके साथ घूमो। आपको फराज भाई ने बताया ना ये सब? फराज ने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि तुम्हारी वजह से फराज माहिर से लड़ रहे थे और मैंने सुन लिया। तुम्हारी वजह से घर में भी झगड़ा हो रहा है। और मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। समझा कर थक गई हूँ मैं, लेकिन तुम क्या हुआ? तुम दोनों लड़ रही हो? पता नहीं, इनसे पूछें। जब घर में आती हैं हर वक्त मुझसे लड़की जाती हैं, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे। रमशा, मानूर, क्या कुछ नहीं आप? नहीं, मैंने सुना तुम दोनों झगड़ रही थी। वो मैं उसे समझा रही थी तो उसे लगा कि मैं लड़ रही हूँ, छोटी है ना। क्या बात है भाई, आप किस बात पे झगड़ा हो रहा था? किसी बात पे नहीं। तो तुम गोला बारूद लेके रमशा पे सवार क्यों हो? क्या हुआ? देखो मानूर, जो भी मसले मसाइल हैं वक्त पे बता दिया कर, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। कोई पछतावा नहीं होने वाला, आप फिक्र ना करें। मेरे और रमशा के बीच की बात है, मैं सुलझा लूंगी। मैं चलती हूँ। ताफिस। अल्लाह। इन दोनों के झगड़े की आवाज बाहर तक आ रही थी और ये कह रही है कि यहाँ कुछ नहीं होना था। हाँ, मैं भी किचन में थी, मैंने कुछ सुना नहीं, पूछा तो बता नहीं रही थी, तो पता नहीं। आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? जी, आयमा के बारे में बात करना चाहती हूँ। आयमा? आयमा को क्या? आयमा यासिर की वजह से बहुत परेशान रहने लगी है। वो यासिर को समझ नहीं पा रही है। क्या आयमा यासिर को पसंद नहीं करती? कोई भी इंसान किसी ऐसे इंसान को पसंद नहीं कर सकता जो उसकी इज्जत ना करता हो, बात बात पर उस पर शक करता हो, जिसको बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। यासिर का रवैया आयमा के साथ ऐसा है? मुझे लगा था कि दोनों को एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैंने आयमा को समझाया कि यासिर को थोड़ा टाइम दो, वो समझ जाएगा। देखिए, यासिर आयमा को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि यासिर समझना ही नहीं चाहते हैं। आप प्लीज आंटी से बात करें ना। दो लोग ऐसे जिंदगी नहीं गुजार सकते जो एक दूसरे के साथ एक रिश्ता निभाना ही ना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज करना ही ना चाहते हो। आखिर यह आयमा के पूरी जिंदगी का सवाल है। रमशा? अरे बाबा जी, मैं यहाँ हूँ। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपके दोस्त आज आ रहे हैं ना? हाँ, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैंने खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। ठीक है। मैं सोच रही थी घर चली जाऊं। क्यों, आ जाके क्या करना है तुम्हें? वो मुझे कुछ चीजों की जरूरत है और सारा सामान वहां पर है, सोचा जाकर ले आती हूँ। और मुझे बताइए, आप घर रेंट पर दे रहे हैं ना? मैं बाकी की चीजों को। तुम एकदम से घर की इतनी फिक्र क्यों होना शुरू हो गई? दे दूंगा उसको रेंट जब मेरे पास वक्त होगा। अभी 100 झमेलों में फंसा हुआ हूँ,
जानती हो ना मेरा कितना नुकसान हुआ है, 50 लाख का। इतने नुकसान पे तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। अल्लाह ना करे, आप कैसी बात कर रहे हैं। खैर छोड़ो इस बात को, जब टाइम होगा तो देख लूंगा उसको रेंट पे देना या फिर कहीं बेचना ही ना पड़ जाए। नहीं बेचना क्यों है, तो हम कहाँ रहेंगे। क्यों, हम जहाँ रह रहे हैं इस घर को घर नहीं कहते क्या। तुम जानती हो ना मेरे 50 लाख का नुकसान हुआ, अपने बिजनेस में पैसा इंजेक्ट करने के लिए मुझे सोर्सेस चाहिए। पहले भी तुम्हारी दोनों दुकानें बेचकर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था और अब दोबारा से। अल्लाह मालिक, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं अब कपड़े चेंज करूं। ये सकनैन भाई ने आपकी दुकानें बेच दी हैं। पैसों की जरूरत थी उन्हें। मैं चाहता हूं कि आप यासर को घर बुलाएं और उससे बात करें। क्या बात करूं मैं यासर से? यही जो उसका रवैया है आयमा के साथ और जिससे आयमा चिढ़ती। तुमसे किसने कहा है कि आयमा चिढ़ती है यासर से? अम्मी मैं भी इसी घर का फर्द हूं, अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी तो क्या मुझे मसले का पता नहीं चलेगा। आज यासर की बर्थडे थी। हाँ। और उसने आयमा को बुलाया था। हाँ मगर वो तो मैंने रोक दिया था, उसी वक्त मना कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि आयमा यासर से अकेले में जाकर मिले। नहीं मुझे ये बात काबिले कबूल नहीं है। अम्मी को पता है भाई, पूछे इनसे यासर किस तरह मुझे ह्यूमिलिएट करते हैं। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, मजाक और बेइज्जती में फर्क नहीं है क्या। अरे हंसी मजाक में उसने एक दो बातें कर दी, इसको बुरा लग गया। हंसी मजाक में भी वो ये हक नहीं रखता है कि वो आयमा की इंसल्ट करे। शादी से पहले उसका ये हाल है तो शादी के बाद क्या करेगा। बेटा कुछ नहीं होगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये शादी के बीच का जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, बस इसी में अक्सर गलत फहमियाँ और झगड़े हो जाते हैं, उसके बाद सब ठीक है। इससे तो गलती मुझसे ही हुई है, मुझे आयमा को इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी कि यासिर से फ़ोन पे बात करें। ये तेरी बीवी की शहन है ना, सारा मसला बिगाड़ दिया है। अम्मी आप मानूर पर बिला वजह क्यों ब्लेम कर रही। आयमा का चेहरा देखकर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो कितनी नाखुश है। बस मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द यासिर और उसकी अम्मी को घर बुलाएं। इससे क्या होगा, तुम तो और काम खराब करोगे। काम तो आपने अपनी जल्दबाजी में खुद ही खराब किया, मैंने रोका भी था आपको कि आप थोड़ा सब्र कर लें। बहरहाल अब जो मैं कह रहा हूं अम्मी आप वो करें, आप उन्हें घर बुलाएं ताकि हम बैठकर उनसे बात करें और उसे उसके रवैये का एहसास दिलाएं। आइए प्लीज आइए जी। तो ये है मेरा गरीब खाना। आई होप मुझे ज्यादा देर नहीं हुई। अरे नहीं आपको बिल्कुल देर नहीं हुई, आप बिल्कुल टाइम पर हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और मैं तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने रुक गया था। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी तुम्हारी भाई, पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना। आपका अपना घर है, आप जब दिल करे आप आ सकते।
आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज आइए। घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। आई लाइक इट। थैंक यू सो मच। आप प्लीज बैठे ना। मैं अरिबा को बताता हूँ। अरिबा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौकीर भाई, ये मेरी वाइफ है अरिबा। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ये मैं कुछ गिफ्ट्स लाया था आपके लिए, रख लीजिए। थैंक यू सो मच, लेकिन इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। बस ऐसे ही। अरे बाबा, सलमा से कहो जूस ले। आप पे ये मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा, पता नहीं क्या। गेस्ट आई मैम, बाद में आती हूँ। रुको, ये मेरी छोटी बहन है रमशा। रमशा, ये तौकीर साहब हैं, सक्लैन के दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जूस का मुंह। मैं भी जाती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? बैठे ना जी। अरे बैठिए, बैठ जाओ। हैव सीट। तो क्या करती हैं आप जी? क्या करती हैं आप? मैं MBA कर रही हूँ। MBA? Very impressive. बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तौकीर भाई, आप फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, आपने यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, क्या बना उसका? हाँ, इरादा तो है। मानूर, रुको। क्या जरूरत थी तुम्हें फराज को सारी बातें बताने की? वो आयमा बहुत परेशान थी, बस इसीलिए मैंने। तुम आयमा की कितनी सगी हो, कितना उसका भला चाहती है बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। अब भी ना जाने उसके दिमाग में कौन कौन से खुराफात भर रही हो तुम। मैंने आयमा को कभी भी मिसगाइड नहीं किया, हमेशा उसे उसके भले के लिए ही समझाया आंटी। अच्छा, तो ये तुम्हारे समझाने का नतीजा है कि वो दिन ब दिन यासिर से बदगुमान होती जा रही है। उसकी बदगुमानी की क्या वजह है वो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। मेरा एमा के साथ कोई भी रिश्ता हो, आपकी तो वो बेटी है। क्या आप ये चाहती हैं कि एमा पूरी जिंदगी एक ऐसे ताल्लुक में गुजार दे जहाँ ना उससे मोहब्बत मिले और ना ही इज्जत, बल्कि मजाक मजाक में उसकी तजलील होती रहे और वो चुपचाप सहती रहे? मैं ऐसा नहीं चाहती कि आयमा का यासिर से रिश्ता टूट जाए। मैं चाहती हूँ कि जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं। इसीलिए मैंने ये सब फराज से डिस्कस किया था। लेकिन मानूर, जब बात मर्दों तक पहुँचती है तो झगड़ा हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि फराज। आयमा आपकी बेटी ज़रूर है,
लेकिन फराज की बहन भी है। जितना आपको एमा का ख्याल है उतनी ही फराज को एमा की फिक्र है। और फिर आप भी तो मौजूद होंगी ना वहाँ पर, अगर कोई बात गलत लगे, आपको ठीक ना लगे तो आप उन्हें रोक सकती हैं, समझा सकती हैं उसी वक्त। बड़ी हैं आप तो। सोचती हूँ इस पे। आपकी फैक्ट्री के लिए कुछ लोकेशंस मैंने रैकी करके रखी हुई है, वो आपको भी दिखाऊंगा मैं जाकर। हाँ, इरादा तो है मेरा फैक्ट्री का, मगर एक तो सोच है मेरे दिमाग में, इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि अकेले क्या क्या देखूँ, क्या क्या संभालूँ। अरे आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं हूँ ना आपके साथ यहाँ, आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम पे तो मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, अगली बार जब मिलेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। श्योर, जैसे आपकी मर्जी। बाजी मैंने खाना लगा दिया। तो ये भाई खाना लग चुका है, ये इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं, आपका अपना घर है, अपने घर आएंगे और खाना नहीं खाएंगे क्या? प्लीज आइए। ऑलराइट, थैंक यू। प्लीज आओ, प्लीज बैठिए। शुरू कीजिए सर। बाकी घर वाले हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? घर वाले तो मौजूद हैं, बाकी भाभी की छोटी बहन भी तो थी, वो नहीं खाएंगी? अच्छा, वो बाद में खा लेंगे। दीदी वो बाद में खा ले, आप खाएं। मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरी वजह से तकल्लुफ कर रहे हैं, इसीलिए अगर ऐसा है तो प्लीज मत कीजिए। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, यू लाइक अ फैमिली मेंबर टू अस। फैमिली मेंबर भी कहते हो और फैमिली का एक फर्द मेज पे मौजूद नहीं, ये मुनासिब बात तो नहीं है ना सकलेन। क्या तो आप ठीक रहे अरिबा भाई, जाओ रमशा को बुलाओ, उसे कहो कि हमारे साथ आए, बैठे खाना खाए। जी बुला कर लाती हूँ। आप शुरू तो कीजिए, ये लीजिए। थैंक यू। कैसा अजीब सा आदमी था, पर से सकलेन भाई के सामने ऐसी नजरों से मुझे देख रहा था और सकलेन भाई ने कुछ भी नहीं कहा। सही इसीलिए नहीं चल रहा है यार, तुम तो चल जाओ प्लीज रमशा। आओ आकर खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। सकलेन बुला रहे हैं और तौकीर साहब भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तौकीर साहब क्यों बुला रहे हैं मुझे? मतलब मेरा क्या काम है वहां पे? उन्हें लग रहा है कि हम उनकी वजह से बहुत फॉर्मल हो रहे हैं। आ जाओ, तुम्हें भूख नहीं है ना? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ कर आ जाना। आज जो भूख नहीं है तो वहां आके बैठने क्या करूंगी मैं? रमशा सकलेन बुला रहे हैं, क्या कहूंगी मैं उनसे, तुम आना नहीं चाह रही? हाँ चलो, खाने का वक्त है, 5-10 मिनट बैठकर अंदर आ जाना वापस। वैसे भी तुम हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती हो, हमारे साथ भी बैठकर कभी खाना खा लिया करो। चलो चल जाए, आती हूँ फौरन। तुम ना चलना, आ रही है।